हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गणेश कंपनी का खमन ढोकला लेकर इसे बनाऊंगी। आप कोई भी कंपनी का खमन ढोकला लें, लेकिन इसी मेथड से बनाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही डिलीशियस बनता है, एकदम मार्केट जैसा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो खमन ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ गणेश का खमन ढोकला इंस्टेंट मिक्स। और अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें डाल लेंगे इसके मिक्सचर को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और पैकेट भी मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सोडे का पैकेट इसमें दिया रहता है, इसे बाद में यूज करेंगे। चलिए अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इसमें मैं मिला लूंगी पानी। तो फ्रेंड्स, पानी डालकर अच्छे से इसका घोल बना लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, पानी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और पानी डालूंगी इसमें। और अब इसे हम हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से फेंट लें। फ्रेंड्स, ये ढोकला बनाना बहुत ही इजी होता है, तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर से जरूर ट्राई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। देखिए, अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है ना। देखिए, हल्का हल्का सा बबल इसमें आया है। देखिए, सरसों तेल मिला लेंगे। और इन सभी को अब हम फेंट लेंगे अच्छे से। देखिए, जैसे ही सोडा डाले है ना, ये पूरा फैल जाएगा, एकदम ऊपर उठ जाएगा। देखिएगा, इतना कम है, ये पूरा बाउल में भर जाएगा। तो अब चलिए इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ये खेलते खेलते पूरा बाउल जितना पूरा भर जाएगा। ये देखिएगा, सोडा के वजह से ये हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कितना कम था आप खुद ही देख पाएंगे, ये खुद ही बढ़ जाता है। जैसे इसे फेंटते रहेंगे, ये खुद ही बढ़ते जाएगा। तो अच्छे से इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसे अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए, घोल तैयार है। देखिए कितना बबल बबल टाइप का लग रहा है, बहुत ही अच्छा मिक्सचर बना है। तो इसी तरह से फेंट लेना है। तो चलिए आगे का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक, देखिए, एक बर्तन ले रही हूँ और इसमें डाल ले रही हूँ सरसों तेल। और सरसों तेल को अच्छे से हम इस बर्तन पे फैला लेंगे। देखिए, इसे अच्छे से लगा लेंगे ताकि खमन ढोकला जब पक जाएगा तो इसे निकालने में हमें दिक्कत ना हो और ये बर्तन पे चिपक ना जाए, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से अच्छे से फैला लें। और अब इसमें हम, देखिए, खमन ढोकला के घोल को डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक कपड़ा ले रही हूँ। देखिए, कपड़े से इसे अच्छे से ढक लेंगे। देखिए बस। और चलिए अब आगे का स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में पानी ली हूँ और एक स्टैंड रख रही हूँ दोस्तों, और इसके ऊपर हम अपने ढोकले को रख लेंगे। देखिए, ये इसी में अच्छे से स्टेम हो जाएगा और ढोकला पक जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और अब इसे हम किसी बर्तन से इसके ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे ढक देना है, साथ ही कढ़ाई का भी ढक्कन लगा लेंगे।
और इसे अब हम 30 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स 30 मिनट्स हो गया है, तो चलिए खोल कर देखते हैं। तो चलिए इसे भी निकाल लेंगे अब, और अब कपड़ा हटा के देखते हैं ये कैसा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा बना है, मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ ये अच्छे से पका है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से पक गया है। पलट के देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं थाली ले रही हूँ और इसमें डायरेक्ट मैं इसे पतीले को उल्टा कर दूंगी, और देखिए ये झट से निकल गया बिना किसी झंझट का। तो फ्रेंड्स इसी मेथड से इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब नाइफ की मदद से इसे हम काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे सीधे सीधे काट लेना है, इसे हमें चौकोन शेप देना है इसीलिए हम उधर से भी ऐसे ही सीधे सीधे काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कट गया है, तो चलिए इसे अब हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स कितना स्पॉन्जी बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप इसी मेथड से बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए अभी सभी को पलट लेंगे, और अब इसमें हमें तड़का लगाना है। तो अब हम तड़के की सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का की सामग्री में मैंने यहाँ पे लिया है कड़ी पत्ता, सरसों, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ नारियल और नारियल के कुछ टुकड़े। अब मैं कढ़ाही ले रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ सरसों तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स तेल गर्म हो गया है, तो चलिए अब इसमें मैं डाल लूंगी हरी मिर्च, साथ ही अब इसमें मैं मिला लूंगी सरसों, और इन सभी को अच्छे से पका लेंगे। और अब इसमें मैं डाल लूंगी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता डालकर इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए सामग्री तो तैयार हो गया है, और अब इसमें हम जो इमली डालेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इमली का पानी ली हूँ, और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ चीनी। चीनी डालकर इसे अच्छे से घोल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जब तक इसमें चीनी गल रहा है, तो जो हम लोग ने तड़का लगाया था वो आप खमन ढोकला पे डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स खमन ढोकला पर इस तरह से अच्छे से डाल लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे खमन ढोकला पे डाल लिया है, और अब इस पे हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ इमली का पानी, इससे एकदम खट्टा मिट्टा टेस्ट आएगा और ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये सब के साथ सर्व करें। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना। तो फ्रेंड्स आप इसी मेथड से इस ढोकला रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आशा करती हूँ आपको इस ढोकले का मेथड पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।